चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं 3D स्टार शेप। इसके लिए हमें कुछ थोड़ी लंबी लॉन्ग स्ट्रिप चाहिए। ओके, अब सबसे पहले आपको एक एंड पे नॉट लगानी है, जैसे हम सिंपल नॉट लगाते हैं। देखिए, पहले ऐसे पकड़ लीजिए, कुछ नहीं, सिंपल ऐसे करा। ओके, अब इसको इसके अंदर से निकाल दीजिए, तो यहाँ पे एक नॉट लग जाएगी। उसको धीरे धीरे टाइट करते हुए इस पेपर को हल्का सा प्रेस कर दें। ओके, तो हमें कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा पेपर है थोड़ा सा बाहर, हम इसको कट कर देते हैं। अब हमको इसी शेप, ये जो शेप दिख रहा है हमें, इसी पे राउंड राउंड करते हुए इस शेप को और बढ़ाना है, जैसे ये देखिए पहला फोल्ड। ये अपने आप ही जो स्ट्रिप है वो फोल्डिंग में जाएगी, आप वैसे इसको फोल्ड करते जाएं। ये देखिए, और इसके लिए आपको थोड़ी लंबी स्ट्रिप ही यूज़ करें, छोटी ना करें, नहीं तो शेप अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारी स्ट्रिप ख़त्म हो रही है, तो हम इसको, ये जो लास्ट वाला है, इसके अंदर डाल देते हैं। ओके, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब वही सेम प्रोसीजर हमें करना है जैसे हमने हार्ट शेप बनाने में किया था। हमको सारे वॉल्स को इस तरह से कुछ पकड़ना है और हल्का हल्का सा प्रेशर अंदर की तरफ देना है, जिससे जो अभी ये फ्लैट है ये थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में आ जाए। ये देखिए, आप धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा आपको दिखेगा, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप इस तरीके से प्रेस कर दें तो आपको एक स्टार शेप क्लियरली दिखाई देगा। ओके, दिस इज़ अ स्टार शेप। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने कैसे किया था। इसको आपको इस तरह से प्रेशर डालना है, ये देखिए। इसी तरीके से हर साइड में आप इस तरीके से प्रेशर देते जाएं और यहाँ पे हमें स्टार का शेप मिल जाएगा, ये देखिए।